सचिन भारद्वाज। किस गांव के हो? सैनोल निवासी हूँ। हाँ, यहाँ पर एकत्रित हुआ, क्या मामला है? ये हमारा जो रोड है काफी समय से डला नहीं है, 1994 के समथिंग ये रोड डला हुआ था, तब से इस रोड की तरफ किसी व्यक्ति की या किसी राजनेता की, जैसे कि किसी सांसद या मंत्री की, आज तक किसी की नजर नहीं डली हुई है इस रोड पर। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग, इतने लोग भारी संख्या में जो एकत्रित हुए हैं, सिर्फ ये रोड के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारे भाई यहाँ पर, दो दो भाई हमारे आए हुए हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी हमारे समर्थन में उतरे हुए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि जो लोग हमारे समर्थन में आए हैं। जिस तरीके से उम्मीद है कि क्षेत्र के युवाओं के लिए कि इस रोड का पुनः उन्नति के साथ विकास होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति जो है चुनाव में लोगों का, सांसदों का जिस तरीके से चुनाव में पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, उस तरीके से कोई भी नेता हमारी क्षेत्र की जनता की तरफ ध्यान नहीं देता है। इस रोड का डलना लाजमी है, इसको डलना चाहिए जल्द से जल्द। हमें किसी भी नेता से या फिर मंत्री से कोई भी आपत्ति नहीं है, सिर्फ हमें सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं और आगे से चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। 2024 दूर नहीं है, अन्यथा की स्थिति में ध्यान रखें कि गवर्नमेंट, हम जब ताज पहनाना जानती है जनता, तो ताज को उतरना भी जानती है जनता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्षेत्रीय पब्लिक का जोरदार समर्थन है हमारे साथ और आगे भी यही समर्थन जारी रहेगा। अगर रोड नहीं डलेगा तो उसके लिए वोट भी नहीं दिया जाएगा क्षेत्रीय जनता। कल मंत्री जी भी मिले हैं PW विभाग मंत्री से, उन्होंने भी आश्वासन किया है। आश्वासन हमारे लिए 10 साल से दिया जा रहा है, हम कैसे यकीन कर लें कि हमारे सामने जो है कि आश्वासन दिया गया है। तो ये 24 के इलेक्शन, इससे पहले भी कई बार हमारे द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई है, उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आगे भी अगर रोड नहीं डलता है तो इसी तरीके की आगे से भी यही कार्रवाई की है। रोड की एक साथ मांग क्यों उठ रही है? अलीगढ़ में भी, यहाँ पर भी, कई जगह रोडों की मांग उठ रही है। ये 24 का इलेक्शन ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इलेक्शन तो पहले भी हुई है, रास्ता तो पहले से भी खराब था। ये हर बार हमारे लिए जुमलेबाजी की गई है, लेकिन इस बार जो है क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, इस बार कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी, वोट नहीं पड़ेगा इस क्षेत्र के द्वारा। क्या अब की बार बहिष्कार किया जाएगा सभी गांव के बार? आप मोदी योगी को नेगलेक्ट करोगे? मोदी योगी से, क्योंकि जो वोट पड़ता है उन्हीं के फेस पे पड़ता है। अब क्या करोगे आप? मोदी योगी हमारे लिए कोई टारगेट नहीं है, हमें सिर्फ अपना विकास चाहिए। काफी जुमलेबाजी हो चुकी है क्षेत्रीय नेताओं द्वारा, अब आगे ऐसा नहीं चलेगा।